ऐसे गायक और गायक ही नहीं महागायक मैं तो समझता हूँ कि जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं सम्राट अशोक के मानववादी कल्याणकारी धर्म नीतियों को और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जिन्होंने इस भारत को अखंड भारत बनाया, ऐसे भारत के उन महान सपूतों की गौरव गाथा जो हम आज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे धनंजय कुशवाहा जी को मैं पुनः एक बार आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी उस गौरव गाथा से इस पूरे जनसैलाब और उस उन्नाव की धरती को और इस उन्नाव की धरती पर जो भी लोग जहाँ से पढ़ा रहे हैं उन सबको उनसे परिचित कराते हुए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए और दिल को शांत कर रखिए। अच्छा धन्य कुशवाहा जी का मैं आमंत्रित करता हूँ, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत। अपने कार्य को संभाल लो, जो भी जनता पंडाल से बाहर है पंडाल में आ जाए और इस चंद्रगुप्त मौर्य सामाजिक संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाए। आइए चलते हैं गीतों की तरफ। चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम, कितने लोग चाहते हैं सर? जो चाहते हैं अखंड भारत बने के जो है तालियों के साथ जो हाथ उठाएंगे। आज जिस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं कहीं न कहीं विश्वगुरु तथागत बुद्ध सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त की प्रेरणा से हम लोग खड़े हैं, नहीं तो आज की दुनिया में एक दूसरे को कोई सहयोग करने वाला नहीं है। कहीं न कहीं हमारे पूर्वज कुछ ऐसे संस्कार हमें दे गए हैं जिसे आज हम याद करके समाहित करके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। आज हमें एक शपथ लेना होगा टुकड़े में बटे हुए भारत को फिर से अखंड भारत बनाना होगा। कैसे? अहम बुखार तो बढ़ा चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम, हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, हम भारत देश के योद्धा निश्चय विराम करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय विराम करेंगे हम। कितने लोग ये काम करते हैं अपने आप को भाई देखता एक बार हाथ उठाओ, दो दो हाथ है सबके पास, डबल लोग बन सकते हैं और इससे भी बढ़ेगा जो कन्या जो मेरे पैसे से खड़े हो गए सब लोग। आइए इस भारत देश को सलामी देते हैं एक बार और भारत के नाम से सभी लोग अपने स्थान से खड़े होंगे और योगदान कर लगाएंगे भारत देश के लिए जिसे हमने अपने खून से जीता है। एक बार खड़े होकर जोरदार ताली इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए सभी लोग खड़े होकर जोरदार ताली लगाएंगे। चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम, बैठे हुए क्रम में चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम, हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय विराम करेंगे हम। सभी लोग बैठ जाएंगे, कैसे सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। अब अगली कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक भारत को टुकड़े टुकड़े खंड खंड में बैठे हुए भारत को कैसे तोड़ा था, एक कड़ी में जिसको अखंड भारत का निर्माता कहा गया और इस देश को भी अखंड भारत कहा गया। कैसे? जिस निर्माण किया था भारत को पहचान दिया था, जितने खुद मानवता खातिर खुद को भी कुर्बानी की
अगली लाइन पसंद है तो मैं ताली चाहूंगा। ऐसे आजमन तवादी का गुणगान करेंगे हम। इतना बड़ा कार्यक्रम जी प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य संस्था के तहत रखा गया है। आज गौरव गांधी नेहरू महापुरुष के नाम से जिनके नाम से हम लोग सूत्र बदल रहे हैं। ऐसे आजमन तवादी का गुणगान हम मौर्य वंश के योद्धा है, हम भारत देश के योद्धा है, निश्चय विराम करेंगे हम। एक बार जोरदार ताली पूरे कार्यक्रम के लिए सभी के साथ चाहूंगा मैं जोरदार ताली। परिणाम से बाहर जाना चाहिए पूरी तालियों की आवाज। आइए अगले कड़ी में चलेंगे हम। जो न कभी भी हारा किसी से चंद्रगुप्त वो हस्ती है। गौर करो ए दुनिया वालों देश वीरों की धरती है। हम निकले हैं तुम भी निकलो ये शुभ कार्य करेंगे हम। एक बार कदम बढ़ाइएगा। हम निकले हैं तुम भी निकलो ये शुभ काम करेंगे हम। हम भारत देश के योद्धा हैं, निश्चय विराम करेंगे हम। आइए अंतिम कड़ी और अगली कड़ी में आपको आपके गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए आपको भी वर्तमान का और भविष्य का इतिहास दिखाऊंगा। कैसे सदियां बीत गई है फिर भी चंद्रगुप्त को आना है। वो चंद्रगुप्त आएंगे नहीं, हम तो और आपको उनके पद चिन्हों पर चलकर चंद्रगुप्त अशोक और विश्व गुरु भगवान बुद्ध बनना होगा। आप उस गौरवशाली इतिहास को याद कीजिए, पढ़िए, समझिए। हर शरीर से चंद्रगुप्त निकलेगा, हर शरीर एक वीर पुरुष है। कैसे सभी अभी बीत गई है फिर भी चंद्रगुप्त को आना है। खोया है सम्मान जो हमने फिर उसे अपनाना है। नवजीवन निर्भीक नवमंग पर अभिमान करेंगे हम। नवजीवन निर्भीक नवमंग पर अभिमान करेंगे हम। हम भारत देश के योद्धा हैं, निश्चय